नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज मैं एक ट्रेलर लेकर के आया हूं। आप देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रेलर है, ठीक है। जैसा कि आप कहते हैं कि यह तो ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है। जी हाँ, पिक्चर बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। यह हमारी जो क्लास है, सभी परीक्षाओं के लिए जो बायोलॉजी का एक तड़का है, SSC, बैंक, रेलवे, ऑल वन डे एग्जाम्स, ठीक है, सभी के लिए जो प्रश्न बनते हैं, कैसे आते हैं, और इन बायोलॉजी के प्रश्नों को ही हम लेकर के आने वाले हैं। तो आज यह ट्रेलर है। आज के हमारे इस लेक्चर में क्या मैं बताने वाला हूं, उसको चलिए देख लिया जाए, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ये है आज का पहला प्रश्न हमारा। आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है, कह रहा है मुस्कुराने में कुल कितनी पेशियां कार्य करती हैं। भाई जब आप मुस्कुराते हैं तो पेशियां कुछ कार्य करती हैं। अब ऐसा नहीं कि ऐसे हैं तुरंत मुस्कुराए बंद हो गए, तो मुस्कुराते हैं तो कुछ पेशियां कार्य करती हैं। तो ये ऐसा प्रश्न कह रहा है कि मुस्कुराने में कुल कितनी पेशियां कार्य करते हैं। अब देखिए, इधर ये चचा भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, ये माता जी प्रणाम, माता जी भी मुस्कुरा रही हैं, और इधर देखिए आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल चाची भी हैं, ठीक है, आप ऐसा समझिए। तो इनमें ये सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। अब इसमें किसकी मुस्कुराहट आपको अच्छी लग रही है, अब इनमें कितनी मांसपेशियां यूज हो रही हैं, इनके मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियां और इनके मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियां हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग की निगाह बड़ी पैनी है। आप लोग बार बार भैया इन्हीं को काहे देख रहे हैं, सबको देखिए ना, ये माता जी को भी देखिए, ये अपने चचा को भी देखिए, कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, लवली लवली। तो ये कह रहे हैं, ये हमारे जो प्रश्न है कि कुल कितनी मांसपेशियां कार्य करती है मुस्कुराने में, देखिए हम आपको बता दें। सबसे पहली बात ये कि जो मांसपेशियां होती हैं, ये हमारे शरीर का लगभग 40% भाग बनाती हैं। कौन बनाती हैं? मांसपेशियों का बना होता है शरीर का लगभग 40% भाग। और हमारे शरीर में जो है कुल मांसपेशियों की संख्या होती है वो होती 639 संख्या होती है हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की जो संख्या होती है। और इन कुल मांसपेशियों में से 400 जो है मांसपेशियां ये रेखित मांसपेशी होती हैं। कैसी होती हैं? रेखित मांसपेशी होती हैं। और इसमें कह रहा है इसमें कुल कितनी पेशियां कार्य करती है, कह रहा है 10 है, 12 है, 14 है, 8 है। तो मुस्कुराने में इसका जो राइट आंसर है वह है बी नंबर, अर्थात 12 मांसपेशियां कार्य करती हैं। अर्थात मुस्कुराने में कुल कितनी मांसपेशियां कार्य करती हैं? 12, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब मुस्कुराते हैं तो कभी कभी कोई गुस्सा भी हो जाता है, किसी को आप इंप्रेस करिए, अगर इंप्रेस हो गया, फिदा हो गया, तब तो आप मुस्कुरा देंगे, अगर इंप्रेस नहीं हुआ तो आप गुस्सा जाएंगे, समझ रहे हैं। तो जब गुस्सा जाते हैं, गुस्सा जब होते हैं, उस समय कितनी मांसपेशियां कार्य करती हैं? तो देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम आपको बता दें उसमें मांसपेशियां कार्य करती हैं 34। कितनी मांसपेशियां कार्य करती हैं? जब आप गुस्सा होते हैं तो 34 मांसपेशियां कार्य करती है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए, आज का दूसरा जो प्रश्न है कह रहा है सहेली क्या है, सहेली क्या है। अब देखिए, इस सहेली, अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो हैं बिल्कुल सहेली हैं, तो ये तो सहेला हैं, ठीक है। अब सहेली कब होती हैं? जब आप जानते हैं कि अगर इन्हीं की एकाठ और बहन होती या कोई और इनकी मित्र होती, मतलब फीमेल ही हो, तब आप कहेंगे कि सहेली हैं, ठीक है। अब कहेंगे ये तो है ही नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें। देखिए, कह रहा है सहेली क्या है, प्रश्न है सहेली क्या है। अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है पहला ऑप्शन कि बाबू की सोना है। सहेली क्या है? बाबू की सोना। आजकल सोना बाबू भी बहुत चल रहे हैं, बहुत फैले हैं, ठीक है। जैसे एक समय में लैला मजनू थे, हीर रांझान थे, उसी तरीके से बाबू और सोना है। लेकिन ये भी दिखे नहीं, लैला मजनू भी दिखे थे जब बहुत लात खाए थे, समझ रहे हैं, और हीर रांझा भी दिखे थे, वह बहुत लात खाए थे, और ये बाबू सोना अभी तक नहीं दिखे हैं, दिख जाएंगे तो आप समझिए कि क्या खाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये कह रहा है कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सहेली एक धारावाहिक है। सहेली क्या है? एक धारावाहिक है। और तीसरा कह रहा है गर्भ निरोधक दवा है, गर्भ निरोधक दवा है। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए, हम आपको बता दें सहेली क्या है। देखिए, अब यहां आप देखिए, एक तो ये फिगर भी छपा है, सहेली ये देख रहे हैं आप, अब फिगर में आप देख रहे हैं दूसरे टेबलेट भी है, अभी सहेली है, यहां लिखा है सहेली है कि ये है, ठीक है। तो क्या है? अब आप लोगों की निगाह यही जाएगी बार बार, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप प्रश्न की तरफ देखिए, ठीक है। तो देखिए, हम आपको बता दें बाबू की सोना तो सहेली नहीं है, समझ रहे हैं, धारावाहिक नहीं है, ये क्या है? गर्भ निरोधक दवा है। सहेली क्या है? एक गर्भ निरोधक दवा है। और मैं बता दूं, गर्भ निरोधक दवा ये जो सहेली है, कभी कभी ये जो है नुकसान भी पहुंचा जाती है, यानी साइड इफेक्ट्स भी कर जाते हैं, लेकिन नहीं, ये मोस्टली ये 100 में से लगभग जो है, अगर महिलाओं को दिया गया, जो रिसर्च किया गया उसमें 98 महिलाएं जो है गर्भधारण नहीं हुआ, उनमें लगभग 2% ही ऐसी महिलाएं रही जिनमें गर्भधारण हो गया इनको खिलाने के बाद भी। तो थोड़ा सा ये ऐसा हर जगह हो जाता है, ठीक है। अब आपको बता दें, जब इस दवा को दिया जाता है, गर्भ धारण को रोकती है यह दवा, तो उस समय क्या होता है कि प्रथम 3 महीने तक, ठीक है, 3 महीने तक 1 सप्ताह में 2 गोली दी जाती है, 2 बार,
ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, एक बार दिया जाता है इस सहेली को, जिससे क्या होता है कि गर्भधारण रुक जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है भाई, उसको भी देख लिया जाए। देखिए ये बिल्कुल है क्या कह रहा है कि रक्त दाब की खोज किसने की, ब्लड प्रेशर की खोज किसने किया, ब्लड प्रेशर की खोज किसने किया, ऐसा प्रश्न कह रहा है। देखिए अगर ब्लड कह रहा है हेल्स ने किया, पल्स ने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, विलियम हार्वे ने किया, ऐसा कह रहा है। अब आप पढ़ेंगे हेल्स, पेल्स, कार्ल लैंडस्टीनर और विलियम हार्वे, आप जैसा मर्जी वैसा पढ़ो, लेकिन आपका प्रश्न सही होना चाहिए। देखिए अगर ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ब्लड ग्रुप का, किसका नाम आता है, ब्लड ग्रुप की। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप जब आएगा, अगर नाम आ गया ब्लड ग्रुप की खोज, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने, किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने, इन्होंने किसकी खोज किया था भाई, इन्होंने किया था ब्लड ग्रुप की। ठीक है, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था, किसका, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। ठीक है, परिसंचरण तंत्र की खोज किया था, आई पल्स तक नहीं, हेल्स है बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर है, ब्लड प्रेशर जो खोज किया था वो किया थे हेल्स ने, किसने किए था, ये किए थे कि हेल्स ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न हमारे होंगे कि जो भी ऑप्शन होंगे सारे ऑप्शन की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर मजेदार ट्रिक यूज हो रहा होगा बीच में तो ट्रिक भी यूज करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगले प्रश्न को देखा जाए, अगला प्रश्न है 4 नंबर का, कह रहा है कि फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, जो फल वल होते हैं, ये देखिए फल वल हैं, अब मुंह में पानी आ रहा होगा कि फल आ जाए तो काक दूठो मिल जाए, ठीक है, लेकिन कहाँ से मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि अधिकतर इसमें फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा होती है, शर्करा, ठीक है, जो मीठा जिसके कारण होता है, करा प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन कोनो शर्करा है नहीं, है ना, और करा माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो माल्टोज तो नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वह है फ्रक्टोज। ठीक है, क्या है, फ्रक्टोज। अब आपको बता दें जो फ्रक्टोज के बारे में देखिए जरा, फ्रक्टोज क्या है, जो फ्रक्टोज है यह सबसे मीठी शर्करा भी है, सबसे मीठी शर्करा अगर पूछ ले कि सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। ठीक है, और दूसरी बात यह एक मोनोसैकेराइड है, क्या है, मोनोसैकेराइड। अब आपको बता दें मोनोसैकेराइड क्या है, ये आप क्या है, इसका जो फार्मूला होता है फ्रक्टोज का C6H12O6, ठीक है, अब यही ग्लूकोज का भी फार्मूला होता है, किसका होता है, ग्लूकोज का, लेकिन इसमें जो ग्रुप होता है ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जब कार्बन की 6 संख्या हो तो इसके लिए आप मोनोसैकेराइड, अगर 6 × 12 हो जाता है कि C12H22O11, ठीक है, अब इसे कहेंगे ये तो शक्कर है, ठीक है, शक्कर, इसे कहते हैं डाइसैकेराइड, 6 × 18 हो जाएगा तो उसे कहेंगे ट्राइसैकेराइड, 6 × 24 हो जाएगा तो उसे कहेंगे टेट्रासैकेराइड, समझ रहे हैं, इस तरीके से बढ़ता है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन है, वो है फ्रक्टोज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, फ्रक्टोज है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सा प्रश्न है। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि प्रतान अर्थात टेंड्रिल कहते हैं इसको, किसके रूपांतरण से बनता है, जो टेंड्रिल होता है किसके रूपांतरण से बनता है, ऐसा कह रहा है। देखिए टेंड्रिल क्या है, जैसे आप जानते हैं कि ये पत्ती है, ये पत्ती है, और कहीं कहीं देखते हैं कि इस तरीके से घूम जाता है, इस तरीके से, ठीक है, इसमें निकल जाता है, और क्या होता है कि कभी कभी जैसे आप किसी को देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं एक पौधा, इस पौधे में ये देखिए ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है, ये मुड़ गया, लास्ट में ये मुड़ गया है, ठीक है, इसी के साथ सहारा लेकर के ये पेड़ों पर क्या करता है, चढ़ता है, ठीक है, चढ़ता है टेंड्रिल के साथ। तो कह रहा है टेंड्रिल जो है वो किसका रूपांतरित रूप है, जड़ का कि तना का, कि तना और पत्ती का, कि पुष्पक्रम का, ठीक है, जड़ के तना का, कि तना और पत्ती का, कि पुष्पक्रम का, तो किसका रूपांतरित रूप है ये पूछ रहा था, किसका रूपांतरित रूप है, हम आपको बताएं इसका जो राइट आंसर है वह है तनाव और पत्ती। ठीक है, अब पत्ती लिखे गया तो इससे आप कंफ्यूजन नहीं आएगा भाई, पत्ती है, ठीक है, क्या तना और पत्ती इसका राइट आंसर है, ठीक है, तना और पत्ती इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल प्रश्न शुरू होने वाले हैं। ये तो रहा ट्रेलर, ठीक है, आपको यह ट्रेलर कैसा लगा, अगर आप लोगों को पसंद लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।